पहले फॉर्मेलिटी कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। आप कह रहे थे आप बहुत कम बात करते हो। देखो, आप इतनी टीचिंग के अराउंड इतनी बातें किए जा रहे हो, इतनी नई नई बातें आप बता रहे हो, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जो राइटिंग वाले टॉपिक पे कैसे हैं, क्योंकि यही इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे सुनने में। टीचिंग में तो आप जो क्वेश्चन रखेंगे आप आंसर दे वो तो आप दूंगी। एक्सपर्ट हो, मुझे दिख रहा है अच्छा था, तो पहले टाइम में क्या होता था कि राइटर जो होता था वो कमाता था। आज के डेट में अब राइटर अपना समय भी लगाता है, अपना दिमाग भी लगाता है, पर और उसके हाथ पैसे में खर्च कुछ नहीं आता, करता उसको है। पैसा लगाना पड़ता है, पैसा खर्च करना। कमाने का तो मैं तो पहले भी ऐसा ही था कि कुछ राइटर्स ही कमाते थे जो फेमस होते थे, हर कोई तो नहीं कमाता था। हाँ फिर बट भी एटलीस्ट एक रिस्पेक्ट थी सोसाइटी के अंदर। हाँ अगर आप बोलो कि आप हाँ कुछ सही करना है। चाहते हो, राइटर हो, तो एज ए राइटर आज की डेट में अगर हम सोशल मीडिया को देखें तो हर कोई राइटर बन गया है। और दूसरी चीज, हर दूसरे दिन आपको आपकी कोट आपके सामने से देखने को मिलती है। ये तो मेरे है, साथ तो ये यही हुआ। है आयरनी, ट्रेजेडी सब है। सोचते एक्चुअली दिमाग में चल बहुत कुछ रहा था जब पहली बारी बात हुई थी, तो वो आते 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 ना चेंज हो गया बिल्कुल। यहाँ पे आउटपुट ही कुछ हो रहा कोई बात नहीं, दूसरी बार कर है। लेंगे, पार्ट टू बना लेंगे फिर। रिलेटेड मुझे लग रहा है आपके पास बहुत कुछ है हुआ। सुनाने के लिए और मैंने टाइम कम दिया है आपको। सुनाने के लिए तो मतलब आप ये सोचिए, मैं नाइन जब मैंने जॉब शुरू की थी उससे पहले ही मिली स्कूल्स में भी, मैं आई थिंक स्कूल्स में कोई कॉम्पिटिशन होते थे उसके लिए आर्टिकल्स लिखती थी। मेरा एक्सपीरियंस खराब रहा खुद बोलने का। मैं किसी को लिख के देती थी वो तो फर्स्ट पोजीशन ले आता था, पर जब मुझे खुद बोलना होता था तब मैं नहीं आती। लेकिन खुद लिखने में, राइटिंग में आई थिंक आई हैव गॉट सो मेनी प्राइज। राइटिंग में भी लिख रही हूँ तो मैं ये एजुकेशन सिस्टम पे लिख रही हूँ। अगर कोई सोशल चीज है जो दूसरी जो मुझे सबसे ज्यादा कहती है कि हाँ इस पे कुछ काम करना है, दैट इज क्लीनिनेस। जो मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ होती है कि वी आर नॉट सो डिसिप्लिन्ड कि सब जगह हमने इतना गंद कर दिया है, और आगे जाके ये नहीं सोचते कि बच्चों को मार्स पे भेजेंगे। लिटरली लड़ाई हो जाती है कि बच्चों को मार्स पे भेजने वाले हो क्या। ट्रू ट्रू ट्रू। तो मॉन्टेसरी में ऐसे होता है, तो वो कहते हैं मॉन्टेसरी क्या प्ले स्कूल होता है, खिलौने रख दिए जाते हैं और बच्चों को खेलने के लिए दिया था, वो मॉन्टेसरी नहीं। बट वो नहीं है, मॉन्टेसरी इज अ वेरी साइंटिफिक प्रोसेस। मैं आपको अगर रिकॉर्डिंग है तो मैं आपको दिखा दूंगा, ऐसी ऐसी फाइल्स बनती थी हमारी।